दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी में एक नए चैप्टर को। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पाचन तंत्र के बारे में, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। पाचन तंत्र, उसके बारे में बहुत डिटेल से बातचीत करने वाले हैं हम लोग। पढ़ने वाले हैं इंजेक्शन के बारे में, डाइजेशन के बारे में, एब्जॉर्प्शन के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में और इजेक्शन के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग नाम दिया जाता है हिंदी में, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और लास्ट में बहिष्करण। यहां तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे और बहुत कुछ आज आपको नया सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात याद रखेगा, अगर आपको इस तरह की सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों शेयर करना मत भूलिए, लाइक कमेंट भी करते रहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम के बारे में। बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरी एक एक बातों को याद रखिएगा। आज बहुत कुछ आपको ऐसा भी मिलने वाला है जिससे आपका मूड भी ऑफ हो सकता है, कठिन थोड़ा सा टफ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको बहुत ही आसान बना के आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों वैसे ये पाचन तंत्र जो है, ये मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, दोस्तों सपोज करो आप गेस करो ना, कि मान लो आप कुछ खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, तो आप जो कुछ खाते हो वहां से लेकर के और जब वो चीज आपके शरीर से बाहर निकल जाती है वहां तक के सफर को आज हमें तय करना, बस इतना सही तो पढ़ना है, यानी खाने से लेकर के निकालने तक की व्यवस्था यहां तक करनी है। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट, और आज के आज ही मैं इस पांचों टॉपिक को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए, करें पाचन वह भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन के बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे या सूक्ष्म भागों में विखंडन होता है। दोस्तों वैसे तो भोजन का टुकड़ा बड़ा होता है, चावल का टुकड़ा बड़ा होता है, चना ले लो, मटर ले लो, हर चीज बड़ा होता है, लेकिन जब उसे खाते हो आप, जैसे वो आपके मुख में जाता है तो सबसे पहले आपका दांत क्या करता है, उन भोजन को चबाता है, चबाना पड़ता है। ठीक है, चबाता क्यों है, चबाने से भोजन के जो टुकड़े रहते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, जो बड़ा टुकड़ा रहता है वो बटकर छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है, तो ये विखंडन होता है, ये पाचन की पहली प्रक्रिया है, पाचन यहीं से शुरू हो रहा है। तो एक प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में कि पाचन शुरू कहां से होता है, तो ये भोजन को तोड़ने की प्रक्रिया तो हमारे मुख से चालू हो जाती है, तो मुख ही पाचन की प्रक्रिया का सबसे पहला स्थान है। करा ये सूक्ष्म पदार्थ रक्त प्रवाह में मिल करके, जब ये पूरा पाचन हो जाता है ना, तो ये हमारे ब्लड में जाकर के मिल जाते हैं और रक्त प्रवाह में मिल करके शरीर के अलग अलग भागों में जाते हैं, जहां पर अलग अलग कोशिकाओं तक ये पहुंच पाते हैं और इसी तरह से हमारे शरीर को वहां पर ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो याद रखिए, यानी शरीर के अलग अलग हिस्सों में वितरित हो जाते हैं, वहां पहुंचकर ये जीव द्रव्य का निर्माण करते, कैसे, कोशिका के पास जाकर करते क्या है, तो वहां जाकर के दोस्तों ये जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। और आपको पता है जीव द्रव्य में बहुत कुछ होता है, जैसे माइटोकांड्रिया है, गाल्जिका है, बहुत कुछ होता है, तो वो एक अलग विषय है। तो याद रखिए, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं जिससे हमारी शरीर ये कार्य कर पाती है। ठीक है, तो ये पूरा काम है इसका। और यहाँ पे दोस्तों आप इमेज भी देख रहे होंगे, ठीक है, ये इमेज है, सबसे ऊपर आपको सलाइवरी ग्लैंड दिख रहा होगा, ठीक है, ये लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, और इसको इसोफेगस बोलते हैं, युवा नली है जिसको आहार नली कहा जाता है, जहां से होकर भोजन कहां तक पहुंचता है, हमारे अमाशय तक आता है। इधर वाला हिस्सा स्टोमक है, जिसको आप पेट कहते हैं, स्टोमक यानी अमाशय है, अमाशय के बगल में आप देखेंगे लीवर है, लीवर का निचला हिस्सा दोस्तों गाल ब्लैडर है, उसके ठीक पीछे पैंक्रियाज होता है जिसको पित्ताशय कहते हैं, की थैली है, और इधर ये जो बड़ा वाला देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और छोटे छोटे जो मुड़े हुए हिस्से में ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसको छोटी आंत कहा जाता है, लास्ट में एनस है, और एनस से ही क्या होता है, बाहरी श्रावण होता है, बहिष्करण जो होता है। ठीक है, जिसको याद रखिए, इसी के बारे में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। करा अस्तनधारियों एवं मानव में, ध्यान से देखिएगा, अस्तनधारियों एवं मानव में पाचन की क्रिया आहार नाल यानी जो एलिमेंट्री कैनल है यहां पर संपन्न होती है, मुख से लेकर के एलिमेंट्री कैनल से होते हुए ये क्रिया आगे तक होती जाती है, तो मुख से शुरू होकर के कहां तक चलती रहती है, एलिमेंट्री कैनल तक चलती रहती है। कर मुख गुहा यानी जो हमारा मुख है ना, यहां से प्रारंभ होकर पाचन की क्रिया छोटी आंत तक लगातार चलती रहती है, मुख में गया वहां पाचन हुआ, यहां पर नली आहार नली जो एलिमेंट्री कैनल है यहां पर पाचन होता गया, आगे गया स्टोमक से मिला वहां भी पाचन हुआ, उसके बाद छोटी आंत में गया वहां भी पाचन हुआ, ठीक है, तब जा छोटी आंत तक ये पाचन चलता रहता है, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में
कुछ सूक्ष्म लवण होते हैं, बस उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा छोटी आंत तक ये पाचन की क्रिया चलती रहती है। कर भोजन के द्वारा ही मानव शरीर को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। जो कुछ आप खाते हो उससे चाहे आपको विटामिन मिले, चाहे आपको प्रोटीन मिले, चाहे आपको कार्बोहाइड्रेट मिले, चाहे आपको फैट मिले, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए प्लस पॉइंट ही होता है। तो याद रखिए पोषक तत्व कैसे व्यक्ति को मिल पाते हैं, जब व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है। और इन्हीं पोषक तत्वों द्वारा कोशिकाओं की मरम्मत होती है। भाई जो हमारी कोशिकाएं मृत हो रही हैं उनके जगह पे जो नई कोशिकाओं का जन्म हो रहा है, आखिर वो कैसे हो पा रहा है, इन्हीं के द्वारा। कोशिकाओं की मरम्मत कैसे हो रही है, इन्हीं के द्वारा। जो हमारे ऊतक यानी जो हमारे टिश्यू हैं जो नष्ट हो रहे हैं उनकी मरम्मत कैसे हो पा रही है, इन्हीं के द्वारा। टिश्यू या सेल का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा हो रहा है। शरीर के लिए जो ऊर्जा मिल रहा है, चाहे हमारी आंख काम कर रही है, चाहे हमारा कान काम कर रहा है, चाहे हमारे हाथ हिल रहे हैं, चाहे हमारे पैर हिल रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया कैसे हो पा रही है। याद रखिए शरीर के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो इसी से तो मिलती है। यदि भोजन व्यक्ति न ग्रहण करे तो बताइए उसके शरीर में ऊर्जा कैसे मिलेगी। सिंपल सी बात है, भोजन नहीं ग्रहण करेगा, जीव द्रव्य नहीं बनेगा, कोशिकाओं की क्षति होती रहेगी और एक दिन व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आगे दे रहा दोस्तों, भोजन की पाचन की संपूर्ण क्रिया इन पांच चरणों में पूरी होती है। वो पांच चरण कौन कौन से हैं तो यहाँ पे दिया है। कह रहा है पहले चरण को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन यानी खाना, इन करना। तो इंजेशन हो गया, इसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। कुछ खाएंगे तो अंतर्ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है डाइजेशन। दूसरे स्टेप पे डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया शुरू होती है। तीसरे स्टेप को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, यानी वहां पर अवशोषण होता है। बड़ी आंत में खास करके अवशोषण के कार्य होते हैं। उसके बाद है एसिमिलेशन, जिसको स्वांगीकरण कहा जाता है। और लास्ट में है इजेक्शन, जिसको बहिष्करण कहा जाता है। एनल के माध्यम से फिर क्या होता है, ऐसा भोज्य पदार्थ का ऐसा भाग जो हमारे किसी काम का नहीं है वो हमारे शरीर से बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो याद रखिए बहिष्करण कहा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से और कैसे पूरी होती है ये आपको मैं एक एक करके डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मोटी मोटा हम लोग देख लेते हैं कि इन पांचों का कार्य क्या होता है। जैसे इजेक्शन की बात कर दें तो कर भोजन ग्रहण करना, मुंह में लेने की प्रक्रिया। जैसे ही भोजन का टुकड़ा आप मुंह में लेते हैं ये होता है इंजेक्शन। क्या होता है, इंजेक्शन, इसको अंतर्ग्रहण का नाम दिया जाता है। दूसरा है पाचन। कह रहा है छोटे छोटे तत्वों में टूटना, छोटे छोटे हिस्सों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, जिसको डाइजेशन नाम दिया जाता है। तीसरा दे रहा है सूक्ष्म पोषण तत्वों का शरीर द्वारा अवशोषण, ठीक है। तो ये जो है ये क्रिया होती है, ये बड़ी आंत के द्वारा खास करके किया जाता है। पोषक तत्वों का उपयोग करना एसिमिलेशन, और क्या हो गया अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना इजेक्शन कहा जाता है, ठीक है, इजेक्शन। तो याद रखें इंजेक्शन और इजेक्शन दो अलग अलग हैं, अंतर्ग्रहण और बहिर्ग्रहण, ठीक है। तो याद रखेगा इस तरह से। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम जो खाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। दोस्तों अगर मान लीजिए कोई अन्न आप खा रहे हो, जैसे आपके सामने मान लीजिए रोटी है या चावल है, तो रोटी और चावल में ये जिसका नाम हम लोग रोटी और चावल रख दिए, एक्चुअली में इसके पीछे की एक अलग दुनिया है। इसको मैं आगे बताऊंगा जब आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट का, तो सिर्फ एक लेक्चर आपको कार्बोहाइड्रेट पे ही दूंगा। इतना छोटा सा शब्द कार्बोहाइड्रेट, पूरा कम से कम मैं 30-35 मिनट का लेक्चर लूंगा कार्बोहाइड्रेट पर, जिसमें खाली कार्बोहाइड्रेट की व्याख्या करूंगा। एक दिन प्रोटीन पढ़ाऊंगा, एक दिन कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, एक दिन आपको जो है फैट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एक लेक्चर आएंगे आगे। तो अभी एक मोटी मोटा मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए गेहूं है, चावल है, तो इनके अंदर दोस्तों कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक्चुअली में ये कार्बोहाइड्रेट अलग अलग चीजों में पाया जाता है, तो हम लोगों ने अलग अलग उसका नाम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम रोटी खाते हैं ना, तो हमारे शरीर को रोटी से मतलब नहीं होता है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट से मतलब होता है। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है, इसी से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज हमारे शरीर में एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या करता है, ये हमारे शरीर में एनर्जी देता है। जैसे अगर हमको अभी चलना है, दौड़ना है, भागना है, बोलना है, ये तत्काल एनर्जी चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा, ये ग्लूकोज से मिलेगा। कैसे मिलेगा, ग्लूकोज से मिलेगा ये एनर्जी, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, इसीलिए गर्मी के समय में जब आप कहीं बाहर से दौड़ भाग कर आते हो तो आपको ग्लूकोज दिया जाता है, ताकि आपके शरीर में एनर्जी मेंटेन रहे। तो चलने, भागने, बोलने, उठने, बैठने, दौड़ने, सोने, ठीक है, खाने पीने, भागने कूदने, भानने, इन सब में जो है जो एनर्जी लगती है, वो कौन सी एनर्जी है, वो एनर्जी किसकी सहायता से पूरी हो पाती, कार्बोहाइड्रेट की सहायता से पूरी हो पाती है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को त्वरित ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, त्वरित, जिससे तुरंत एनर्जी मिल जाती है।
दूसरा दोस्तों मान लीजिए आपने दूध लिया खाने में, ठीक है, तो दूध क्या होता है दोस्तों, दूध में प्रोटीन होता है, दूध हो गया, दाल हो गया, इन सब में प्रोटीन होता है। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलती हमारे शरीर को, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है, नहीं, आपका सोचना बिल्कुल गलत है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि प्रोटीन हमारे शरीर के विकास में सहायक होता है, क्योंकि उसमें फिलहाल तो दूध में एमिनो एसिड होता है, या सीधे सीधे मैं प्रोटीन की बात करूं तो हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, बाल बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, मोटे चौड़े लंबे हो रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रोटीन जिम्मेदार होता है। तो इसके अलावा भी जैसे हमारी किसी कोशिका का या उत्तक का जो मरम्मत होता है वो भी किसके द्वारा होता है, प्रोटीन के द्वारा। इसीलिए कभी ऑपरेशन जब किसी का होता है ना तो डॉक्टर बोलते हैं भाई दाल का पानी दो, क्योंकि दाल के पानी में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बाकी अंडे में भी है, दूध में भी है, तो ये सब आपको दिया जाता है ताकि जल्दी से आपको रिकवरी मिल जाए वहां से, ठीक है। तो याद रखिए, विकास के लिए, कोशिका के लिए, वृद्धि के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। इसी तरह से फैट भी होता है, फैट में दोस्तों याद रखें फैटी एसिड होता है, इसमें भी एनर्जी छिपी होती है, लेकिन ये एनर्जी हमको डायरेक्ट नहीं मिलती, जैसे कार्बोहाइड्रेट से हमको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी, फैट में भी एनर्जी होता है लेकिन इससे तुरंत नहीं मिल पाएगी। इस फैटी एनर्जी को दोस्तों पहले चेंज करना पड़ता है, ये बदलता है, दूसरे फॉर्मेट में आता है, तब इससे जाकर एनर्जी मिलती है। कैसे मिलेगी, मान लीजिए एक दिन आपने रोटी चावल नहीं खाया तो क्या आप उठना बैठना बंद कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जो फैट है उसका इस्तेमाल शरीर खुद ब खुद कर लेता है, ठीक है, तो ये फैटी एनर्जी जाकर स्टोर रहता है, बाद में जरूरत पड़ने पर हमारा शरीर इसे इस्तेमाल कर लेता है। तो ये पूरी की पूरी एक थीम है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं थोड़ी सी एक दो बात और कर ले मिनरल्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में, ठीक है, इसके बाद हम आपको सीधे चैप्टर पर ले चलते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स की बात करें दोस्तों, तो कह रहा इनका पाचन नहीं होता है, किसी भी मिनरल का या विटामिन का पाचन नहीं होता। जब हम भोज्य पदार्थ लेते हैं ना, भोज्य पदार्थों का पाचन होता है, इनको पाचन करने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी सूक्ष्म पोषक तत्व कहे जाते हैं। ये क्या है, ये ऑलरेडी सूक्ष्म है, तो क्योंकि हम पाचन क्यों करते हैं, हमारे शरीर में पाचन क्यों होता है, जो बड़े बड़े टुकड़े वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, ठीक है, सूक्ष्म हिस्सों में बढ़ जाए, इसीलिए तो पाचन होता है। जो पहले से सूक्ष्म है उसका पाचन क्या करोगे आप, ठीक है, तो ये समझिए, कह रहा है जो शरीर में सीधे ही अवशोषित हो जाते हैं, इसलिए इनका कोई पाचन की जरूरत इनको नहीं पड़ती है। तो चाहे मिनरल्स हो जाए यानी लवण हो जाए, चाहे विटामिन हो जाए, शरीर हमारा जो है डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है। कह रहा है पाचन की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजाइम, क्योंकि एंजाइम किसी चीज को तीव्र कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। दोस्तों हमारे शरीर में अगर हम पाचन के दृष्टिकोण से देखें तो कुल तीन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है एमाइलेज, जिसको एमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है प्रोटीज, प्रोटीज को ट्रिप्सिन भी बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखें एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज, ये याद रखिएगा। एक एक करके थोड़ा थोड़ा मैं काम बता दूं, जैसे एमाइलेज है या फिर एमाइलोप्सिन है, ये क्या करता है, जो अभी हम स्टार्च लेते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलने वाली है। तो याद रखिए ग्लूकोज में बदलने का काम इनको कौन करता है, एमाइलेज करता है। एमाइलेज क्या करता है, याद रखिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। इसी तरह से लाइपेज क्या करता है दोस्तों, तो लाइपेज जो हमारे शरीर में फैट है ना, जो वसा है, उसको फैटी एसिड में चेंज कर देता है या फिर ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, जो हमारे पास एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है, लेकिन जब कभी हमारे पास एनर्जी की कमी होती है तो यही फैटी एसिड जो है जो शरीर में पहले से स्टोर होता है उसका इस्तेमाल शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा लाइपेज, याद रखिएगा लाइपेज। इसके बाद है दोस्तों प्रोटीज, जिसको ट्रिप्सिन भी बोलते हैं, तो याद रखिए प्रोटीज, क्योंकि नाम ही प्रोटीन जैसा है, तो याद रखिए प्रोटीन को चेंज करता है एमिनो एसिड में, ठीक है, प्रोटीन को चेंज करता है किसमें, एमिनो एसिड में। ये तीन आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस वजह से इन तीनों को अच्छे से आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। कह रहा भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, इसको इंजेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन कहा जाता है भोजन का अंतर्ग्रहण। कह रहा भोजन को मुख गुहा में लेके जाना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन कहा जाता है। भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आपने कुछ लिया अपने मुख में, याद रखिए पाचन यही मुख से ही चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि बड़े-बड़े पदार्थों का छोटे-छोटे हिस्सों में टूटने की क्रिया कहां शुरू हो जाती है, चबाने के दौरान ही शुरू हो जाती है। अच्छा, पाचन में और चीज याद रखिए, कर भोजन के पाचन की क्रिया मुख से आरंभ होकर के हो जाती है और भोजन को दांतों द्वारा चबाया जाता है, ठीक है, दांत द्वारा चबाया जाता है और जो लार ग्रंथियां हैं तीन जोड़ी, उन लार ग्रंथियों के द्वारा लार का श्रावण होता है और उन लार में याद रखिए 1.5 लीटर जो लार है दोस्तों वो किसके द्वारा निकलता है, वो उन लार ग्रंथियों के द्वारा निकलता है। 1 से 1.5 लीटर लार जो है प्रतिदिन हमारे मुख में जनरेट होता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए आगे दे रहा है कि लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। कल ही मैंने पढ़ाया था लार के बारे में,
लार का पीएच मान कितना होता है 6.8, और आपको बताया था कि अगर पीएच मान 7 हो जाए तो याद रखिए उदासीन हो जाता है वो विलेन, अगर 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो लार है वो क्या हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय हो जाएगा। करा इसमें मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो टाइलिन है जो आप सभी बहुत ज्यादा जानते हैं और दूसरा है माल्टेज। टाइलिन और माल्टेज दोनों की चर्चा मैं कर चुका हूं पहले का, याद रखे। करा टाइलिन क्या करता है, ये भोजन में उपस्थित स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। तो देखिए टाइलिन ने यहां से उठाकर काम को स्टार्च को उठा के माल्टोज में चेंज किया। अब जो दूसरा वाला एंजाइम है जिसका नाम माल्टेज है, वो क्या करता है, वो माल्टोज जो बदल चुका है वो क्या करता है, ग्लूकोज में चेंज कर देता है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। एक दोस्तों और मैंने आपको पढ़ाया था एडिशनल, जिसमें वो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, तो याद रखे उसके बारे में, जिसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। ये भी हमारे यहाँ मुख में ही पाया जाता है लार। ये खतरनाक जो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकती है, ऐसे बैक्टीरिया को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। तो ये भी एक तरह का एंजाइम है, ये लार में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा। करा इसके बाद भोजन आहार नली के माध्यम से, भाई आपने चबाया, चबाने के बाद उसमें लार मिला, वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा एक गूंज जाता है। ठीक है, वो आप कह सकते हो कि अर्धद्रव में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये उस लार के माध्यम से जब सरफेस प्लेन हो जाता है तो इस आहार नली एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से क्या करता है, वो कहां तक जाता है, स्टमक यानी हमारे अमाशय तक आता है। अमाशय शरीर के बाएं वाले हिस्से में होता है, अमाशय तक आता है। करा भोजन आहार नली के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है, जहां अनेक अम्लीय रस पाए जाते हैं। अम्लीय रस क्यों पाए जाते हैं, वजह है। ठीक है दोस्तों, भी पता है मैं अमाशय के बारे में एक डिटेल क्लास लेने वाला हूं, एक क्लास अमाशय पर, एक क्लास छोटी आंत पर, एक क्लास बड़ी आंत पर। आज हम खाली डाइजेशन सिस्टम के बारे में बता रहे हैं कि ये डाइजेशन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप सुनते जाओ मेरी बात। तो अमाशय में होता है क्या ना कि बहुत सारे एसिड होते हैं। एसिड का काम क्या होता है दोस्तों, भोजन को अम्ली बनाना, और अम्ली बनाने के बाद क्योंकि भोजन में अगर कोई जीवाणु रह भी गया जो लाइसोजाइम से बच गया है तो वो पूरी तरह से मर जाएगा, और भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना या पचाना वो यहाँ पर जो अम्ल होते हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको HCl बोलते हैं, पित्त रस हो गया जिसको बाइल जूस बोलते हैं, रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, लाइपेज एमाइलेज हो गया। ठीक है, इन सभी के माध्यम से पाचन की क्रिया जो है आरंभ होती है हमारे शरीर में, कहाँ पर, स्टोमक में, जिसको हिंदी में अमाशय कहा जाता है। करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अम्ल जो है ये एंजाइम की क्रिया को और तेज कर देता है। ठीक है, और भोजन को अम्ली बनाने में मदद करता है ताकि उसके बाद भोजन छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाए। करा यहां पर अब दो तीन चीजें आपकी परीक्षा में जो खूब पूछी जाती है, ठीक है, उसके बारे में देख लीजिए। कहता है कि प्रोटीन को प्रोटियोजेज में कौन बदलता है, तो बताइए पेप्सिन चेंज करता है। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन प्रोटीन को पहले प्रोटियोजेज में चेंज करता है और बाद में पेप्टोन में बदलता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप करके है, ठीक है, तो याद रखेगा। जिस तरह से हमने शुरू में पढ़ा कि जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोज में, और फिर माल्टेज क्या करता है उसको उठा करके ग्लूकोज में चेंज करता है, बस वैसे ही दो स्टेप में यहां पर है। करा रेनिन जो दूध में पाया जाता है और घुलनशील प्रोटीन है, क्या करता है उसको, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, केसिन। पूछता है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो दोस्तों जो रेनिन होता है ना, ये इसी केसिन को क्या करता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज कर देता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अगला है लाइपेज, क्या करता है, जो हमारे शरीर में फैट होता है ना, वसा जो होती है उसको उठा करके या तो फैटी एसिड में या फिर ग्लिसराल में बदल देता है। ठीक है, तो लाइपेज का काम होता है। इसी तरह से एमाइलेज क्या करता है दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है ये खास करके प्रोटीन का पाचन करता है। तो ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो गलती से एमाइलेज मत कर देना। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन करता है, जबकि ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो जितनी चीजें पढ़ा हुई एक बार आपको रिवाइज कर दिया जाए, करा दिया जाए, ये चार बातें आप याद रखना मोटी मोटा, जो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्टार्च चेंज होता है किसमें, याद रखिए स्टार्च को पहले चेंज कौन करता है, तो टाइलिन चेंज करता है, माल्टेज में बदल गया है। ठीक है, एक मिनट, स्टार्च नहीं है ना, ये केसिन दे रहा है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिए स्टार्च क्या करता है, ये माल्टेज में बदल जाएगा, माल्टोज में, और फिर माल्टेज क्या करे, सॉरी, ये माल्टोज में बदलेगा, फिर माल्टेज नाम का जो अलग है वो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलेगा। ये आप समझो एक लाइन में बात, ठीक है, क्योंकि मात्रा का अंतर है, अगर हेर फेर हो गया तो गड़बड़ भी हो जाएगा। दूसरा है माल्टेज क्या करता है,
माल्टेज से ग्लूकोज में आना। फिर इसी तरह से प्रोटीन को याद रखिए, यहाँ पर पेप्सिन नाम का है, ट्रिप्सिन भी इसके पाचन में सहायक होता है, लेकिन यहाँ पर पेप्सिन याद रखिए, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोजेज में चेंज करता है और फिर प्रोटियोजेज से उठा करके पेप्टोन में चेंज करता है। केसिन टाइलिन के द्वारा कैल्शियम पैराकैसिनेट में चेंज होता है, या रेनिन के द्वारा भी होता है, तो यहाँ पर रेनिन करिए, टाइलिन मत करिए, गलत है, मुझे लगता है मिसप्रिंट है, टाइलिन यहाँ कहाँ से आएगा, टाइलिन तो कहाँ पर जाएगा, वो तो माल्टेज में रहेगा ना, तो वो स्टार्च को चेंज करता है, ये गलत है, यहाँ पर रेनिन होना चाहिए, ठीक है, रेनिन। तो ये सब आदत होना चाहिए, जब आप पढ़ते जाओगे ना तो चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। तो केसिन जो बदलता है कैल्शियम पैराकैसिनेट में, उसको कौन चेंज करता है, उसको रेनिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो चेंज करता है, ठीक है। लाइपेज दोस्तों यहां पर माल्टोज कर रहा है, ग्लिसराल में चेंज करता है, ठीक है, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ दे रहा है क्या, यहां पर मिस्टेक हो गया। लाइपेज जो ऑलरेडी होता है फैटी एसिड को उठा करके ग्लिसराल में चेंज होता है, मुझे लगता है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। सुक्रोज सरकरा ये छोड़ दीजिए, मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है, पेज छोड़ दीजिए, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, आगे भी आपको डिटेल से चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़िए, करा अमाशय, अमाशय तक तो हम लोग पहुंच चुके थे भोजन को लेकर के, जहां पर भोजन की मुलाकात अनेक एसिडों से होती है, जैसे HCl वगैरह से, और वहां पर पाचन क्रिया आरंभ होती है। अब भोजन अमाशय से निकल करके कहां जाता है, छोटी आंत की तरफ आता है और छोटी आंत में पहुंचता है, जहां पर पचे हुए भोजन का शोषण किया जाता है और अनपचे भाग का पाचन किया जाता है। पहले जो पचा है उसका शोषण करो, जो नहीं पचा है उसको पचाओ। तो बचा खुचा जितना भी काम है ना, ये बहुत लंबा है, ठीक है, ये याद रखें, छोटी आंत की लंबाई भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो यहां पर पूरा अच्छे से इसका पाचन हो पाता है। करा सुक्रोज शर्करा को फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है, सुक्रोज क्या करता है, शर्करा को फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों में चेंज करता है, जबकि जो लैक्टोज होता है वो शर्करा को लैक्टोज में या तो चेंज करता है या तो ग्लूकोज में चेंज करता है। इसी तरह से लाइपेज क्या करता है, फैटी एसिड को, ठीक है, पाचन करता है, इरेप्सिन प्रोटीन के अनपचे भाग को अमीनो एसिड में बदल देता है। देखिए प्रोटीन के मामले में दो तीन नाम याद रखिए, जैसे मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, जैसे इरेप्सिन है, जैसे ट्रिप्सिन है, ठीक है, ट्रिप्सिन है, और क्या है, जैसे प्रोटीज है, ये दोस्तों तीन याद रखिए, तीन आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों का संबंध किससे है, प्रोटीन से है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन के पाचन में ये सब साथ देते हैं। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण को इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, अवशोषण, यहां पर भोजन का अवशोषण होता है। देखिए कुछ शोषण तो कहां हो चुका है, छोटी आंत में हो चुका है, बचा खुचा बड़ी आंत में होने वाला है। करा भोजन का अवशोषण छोटी आंत द्वारा किया जाता है या आहार नाल की दीवारों द्वारा शोषित होकर रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, ठीक है। तो वहीं पर दोस्तों छोटे छोटे सूक्ष्माणु पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इनका शोषण करते हैं, उनको ब्लड तक ले जाकर के पहुंचा देते हैं। जब हम आपको छोटी आंत बताएंगे तो वहां पर इस इमेज को डिटेल्स ओपन करके बताएंगे कि कैसे वहां पर क्या होता है, ठीक है, कौन से अंकुरित चीज होते हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैसे होता है, पूरा वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से मैं माफी चाहता हूं। आगे देखिए, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अगला है स्वांगीकरण, इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण का नाम दिया जाता है। करा अवशोषित भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण, ठीक है। करा अमीनो अम्ल यकृत में जब पहुंचता है तो वहां अमोनिया में टूट जाता है, अमोनिया मतलब NH3, बड़ा नुकसानदायक होता है, तो अमोनिया में टूट जाता है, जिससे यूरिया का निर्माण हो पाता है, और यही यूरिया हम मूत्र के माध्यम से क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिए मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित हो जाता है जो यूरिया वाला हिस्सा है। तो फिर से देखिए, अमीनो एसिड जो होता है यकृत में पहुंचकर अमोनिया में टूटता है और वहीं से फिर यूरिया का निर्माण होता है और यूरिया के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाता है। दोस्तों ये जो इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये लीवर है जिसको आप यकृत बोलते हैं, ठीक है, और यकृत जुड़ा होता है किससे, किडनी से। शरीर में दोनों तरफ किडनी होती है, इसमें नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं, किडनी में ही दोस्तों छानने का काम होता है और यहीं से फिर मूत्राशय और मलाशय जुड़ा होता है, वहां पर वहां के माध्यम से भोजन का इंजेक्शन हो जाता है, जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से देखिए बहिष्करण, जिसको इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन, ठीक है। करा अनपता भोजन, अनपचा भोजन अंत में बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां वहां पर मौजूद बैक्टीरिया इसे मल में बदल देते हैं, किसमें बदल देते हैं, मल, मल वाले समझ रहे हैं ना, मल में बदल देते हैं। यहां कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसलिए यहां पर पाचन
नहीं होता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जहां पर पाचन नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, देखिए अवशोषण होता है लेकिन पाचन नहीं होता है। अगर कुछ अवशोषण बचा रह गया तो वो यहां पर जो है अवशोषण किया जाता है, बट पाचन यहां पर नहीं होता है। किंतु अवशिष्ट पदार्थों जैसे खनिज लवणों या जल आदि का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। करें इंडोल और स्केटोल नामक एमिनो एसिड के कारण ही मल में क्या आता है, दुर्गंध आता है। तो जब कोई जब किसी के शरीर से मल बाहर आता है तो एक अजीब सी दुर्गंध हमें वो करती है, दिखाई सुनाई नहीं देगी, जाहिर सी बात है सूंघने पर पता चलता है। तो इंडोल और स्केटोल ये अलग अलग एमिनो अम्ल है जिसके कारण यहां पर गंध आती है। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। और मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े हैं तो कुछ 15 दिनों के लिए लगभग आप अपनी स्पीड को डबल कर दो। मतलब अगर 2 घंटा आप स्टडी 91 पर समय देते हैं तो प्लीज निवेदन हाथ जोड़कर कि आप अपने समय को दोगुना कर लीजिए, 4 घंटे। ठीक है, ये मत पूछिएगा क्यों, कुछ जरूरी काम है, कुछ टेस्टिंग के पर्पज से बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये प्लीज आप ये काम जरूर करिएगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, मंडे से ही स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है। आपके शेड्यूल थोड़े से चेंज किए जा रहे हैं क्योंकि काफी दिनों से शेड्यूल चल रहा है और मुझे लग रहा है कि शेड्यूल में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, एक बार फिर से नया महीना स्टार्ट हो चुका है तो एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ मैं कुछ चीजों को आगाज करना चाहता हूं। तो सोमवार को तैयार रहिए, आप सुबह के 10 बजे से लेकर के कंटिन्यू आपकी बेहतरीन क्लासेज आपको दी जाएंगी। लगातार 15 दिनों के लिए एक स्पेशल करंट अफेयर का कोर्स चलाया जा रहा है जो आज तक पूरी YouTube पर आपको कभी भी किसी ने नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा क्या खास मिलने वाला है, इसे देखने के लिए तैयार रहेगा मंडे सुबह के 10 बजे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।